वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में वीडियो रिक्वेस्ट के लिए पूछा था और काफी डिफरेंट टाइप्स की मुझे वीडियो रिक्वेस्ट आई है, बट टुडेज वीडियो इज ऑन वन सच वीडियो रिक्वेस्ट। सो टुडेज वीडियो इज हाउ आई मेड माय किड्स ईट इंडिपेंडेंटली। So ever since I have started my channel, everyone is in awe like how I make my 4-year-old and my 2-year-old eat independently. So today's video is all about the tips and tricks to not make your kids picky eaters and to set the right eating habits from a very early age. So now without further delay, let's get started. So the tip number one is to invest on high chairs and start as early as you can. मेरे दोनों ही किड्स के लिए मैंने हाई चेयर का यूज किया था एंड आई स्टार्टेड वीनिंग देम फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स। मैंने उनको ही अपना खाना खाने के लिए एनकरेज किया है। आई वुडन्ट से दैट आई गिव देम फूड एंड लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू ईट कम्प्लीटली बाय देमसेल्व्स, बट ऑलवेज एनकरेज योर चाइल्ड टू यूज देयर फिंगर्स एंड टू यूज स्पून और व्हाटएवर यू यूज टू फीड योर चाइल्ड। So start as early as you can. 6 months में सबसे पहले प्योरी दी जाती है, फिर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी कि 6 से लेकर 12 months की एज तक आप क्या क्या दे सकते हैं। एनीवे, सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद द प्योरीज, देन यू ग्रेजुअली मूव टू द फिंगर फूड एंड बाय द एज ऑफ 8 months यू कैन स्टार्ट गिविंग देम स्मॉल स्मॉल चंक्स ऑफ वॉट एवर यू आर ईटिंग। So the same thing I did with my kids and it has really helped them to not being picky eaters. My tip number 2 is to follow a strict routine when it comes to food. So I prefer giving them food at a particular time in the morning. So the timings are fixed for breakfast, lunch, snacks as well as dinner. So इससे उनकी body clock set हो जाती है and automatically उनको तभी भूख लगने लगती है. But in case अगर कभी उनको ऐसा लगे कि इस वक्त उनको खाना नहीं खाना है, don't just pressurize, go with them. एक बार का खाना miss करने से उनकी development या growth में कोई effect नहीं होने वाला है और ना ही वो कमजोर होके गिरने वाले हैं। So if they don't feel like eating breakfast, just skip it, but don't give anything between breakfast and lunch. Let them have lunch on time. So lunch obviously वो लोग अच्छे से खाएंगे. So that's what I had followed. My tip number 3 is to become role models for our kids. As moms, we are always available for our kids. So try having breakfast, lunch and snacks with your kids. In a plate, sit together. हम बहुत busy होते हैं, कभी बर्तन धोना होता है, कभी ये होता है. But if we stop everything and get whatever is required for our breakfast and lunch and sit with them for 15-20 minutes and finish our meals and then get up, तो इससे बच्चों पे बहुत अच्छा impact होता है and they will observe and they will learn that इतने मिनट में हमें खाना खाना है, 15 से 20 मिनट लगाने हैं और इस तरह से खाना खाना है, स्क्रीन नहीं लेना है एंड देन वी हैव टू फिनिश इट, देन ओनली वी कैन गेट अप। सो इवन इफ योर चाइल्ड टेक्स मोर टाइम देन यू, बट सिट विद देम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट लंच एंड फॉर डिनर्स ऑब्वियसली फादर्स आर देयर, सो फैमिली मील टाइम साथ में होता है, तो इन सारी चीजों का बहुत इंपैक्ट होता है बच्चों पे। इन आवर केस वी आर लकी, वी कैन हैव अ ब्रेकफास्ट एंड डिनर्स टुगेदर। सो फॉर लंच आई ऑलवेज सिट टुगेदर विद देम एंड हैव अ लंच एज अ फैमिली। समटाइम्स यू नो किड्स रिफ्यूज टू ईट फूड और समटाइम्स दे जस्ट स्टॉप ईटिंग व्हाट दे वर ईटिंग अर्लियर एंड दे शो टैंट्रम्स। ये टॉडलर्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। जब टॉडलर्स की एज होती है तब हम भी काफी सारी चीजें गेस करते हैं एंड वी कैन नॉट मेक आउट लाइक व्हाट एक्चुअली इज अफेक्टिंग देम, बट समटाइम्स इट मे बी द मेस अराउंड द फूड। बच्चे जो है जब खाना सीखते हैं या स्टार्ट करते हैं, कभी कभी बच्चे जो है वो मेस से डर जाते हैं, चीजें गंदी होती हैं, उनका फेस गंदा होता है या हाथ गंदे होते हैं, तो वो डर जाते हैं, वो रोते हैं और फिर वो नहीं खाते हैं। सो मेक श्योर दैट इफ योर चाइल्ड इज एट द टॉडलर एज और द बेबी एज, यू यूज बिब्स एंड यू कीप अ नैपकिन रेडी और बार बार उन्हें क्लीन कर रहे हैं और दे जस्ट डोंट फील मेसी एट ऑल।
And at the same time, I would like to say the next tip is that be ready for the miss. Sometimes we are afraid and we do not allow them to eat independently because we are afraid of the mess they create or we are afraid of the wastage of food they'll do. But that's how they learn. So all I want to say is that be ready for all sort of mess which is going to happen. Like you can change your rugs, ya fir rugs pure nikal sakte ho, so aapko uska tension na ho. If you are sitting in the dining table, just cover them with a प्लास्टिक और अगर चेयर है तो चेयर को भी अच्छे से आप कुशन्स लगा के या कवर्स लगा के आप प्रिपेयर रह सकते हैं एंड देन यू कैन यू नो वेरी नाइसली गिव देम द ट्रेनिंग एज वेल एज सोफाज भी हमारे घर पे जो है वो हमने लेदर वाले लिए हैं सो देन वी कैन जस्ट वाइप इट एंड वी कैन यूज इट. So sometimes because they prefer to eat on sofas, they do not prefer to eat at, but I know this is wrong thing, they should be eating at the dining table all the time or sitting on the floor and eating the food. But sometimes kids, when they are eating apple or some small snacks, they prefer eating on sofa. So always cover your essential items and precious items with the things you can. You can use a sofa cover for a dining table, you can use your covers, dining table covers. So हर चीजों को इस तरह से आप प्रिपेयर कर लो, फिर जो भी मेस होगा उसमें आपको टेंशन नहीं होगा और बच्चे जो है वो आराम से खाना खाना सीख जाएंगे. माय नेक्स्ट टिप इज अगेन फॉर द पेरेंट्स विद स्मॉल किड्स विद बेबीज जो स्पून से खाना खाना सीखते हैं. सो जब बच्चे फर्स्ट टाइम अगर स्पून से खुद पकड़ते हैं खुद सीखते हैं दे विल लर्न इट वेरी क्विकली. बट अगर आपने उनको स्पून दिया है एंड इफ यू वांट देम टू लर्न ईटिंग फूड विद स्पून सो डोंट वरी, पहले आप उनको स्पून देना शुरू कीजिए. यू कैन यूज अ प्लास्टिक प्लेट इफ यू आर वरीड अबाउट द फूड. तो कभी कभी बच्चे स्ट्रेट अप ही खाना शुरू करते, कभी कभी बच्चे जो है वो बहुत खेलते हैं, दे बैंग द प्लेट और दे ड्रिबल द फूड ऑल ओवर. सो ऐसे सब होता है, दे मेक लॉट ऑफ मेस. बट वॉट यू हैव टू डू इज कि जब वो लोग खाना खाते हैं स्पून से, इफ दे आर नॉट एबल टू, तो आप उनको उनका हाथ पकड़ के आप उनको चम्मच से खाना खाना सिखाए. सो उनसे क्या होता है कि उनका ब्रेन उनको इंडिकेशन देता है दैट दे आर ओनली ईटिंग विद द स्पून. सो इस तरह से वो लोग सीखते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज यू कैन ऑलवेज हैव टू सेट्स ऑफ स्पून्स. सो एक स्पून से बच्चा खाना खा रहा है खुद से, दिस इज लिटल फॉर द ओल्डर वंस. सो एक स्पून से बच्चा खा रहा है बट स्टिल देयर स्पीड इज स्लो, तो दूसरे स्पून से आप उनको खिला रहे हैं. सो दिस इज हाउ द किड विल फील इंडिपेंडेंट, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि वो खा रहे हैं और एट द सेम टाइम आपका ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं हो रहा, आप भी साथ में खिला रहे हो. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई यूज्ड टू यूज टू बोल्स एंड टू स्पून्स व्हेन आई वाज गिविंग ट्रेनिंग. तो एक स्पून में खाना उसके लिए रखती थी मैं, वो उससे खाती थी दिया, और दूसरे से मैं उसको फटाफट खिलाती थी. सो ऐसे स्लोली स्लोली सीखते हैं. सो इवन आफ्टर यू से कि बच्चे जो है वो सीख जाते हैं, मतलब शी इज 2 years ओल्ड नाउ, इन माई वीडियोज यू सी हर ईटिंग फूड हर सेल्फ, बट एज आई सेड इन द वीडियोज अर्लियर कि वो 4-5 स्पून तक अपने से खाएगी, उसके बाद मुझे उसको खिलाना पड़ता है. आई हैव टू मेक अ फिनिश हर फूड इन द प्लेट. सो दैट इज हाउ आई डू. माई नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव देम फूड विच दे लव. मेजोरिटी टाइम्स मैं अपने बच्चों के लिए, ऑब्वियसली मेरे घर पे अलग खाना बनता नहीं है, जो खाना बनता है वही बच्चे खाते हैं, बट आई कुक माई फूड इन सच अ वे दैट इट्स किड्स फ्रेंडली, यानी कि ज्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं उसमें. स्पेशली चिलीज जो है मैं काफी कम यूज करती हूँ. आई डोंट यूज ग्रीन चिलीज, आई यूज रेड स्पाइस. एंड इफ इट इज फॉर द किड्स आई विल यूज लिटिल लेस रेड चिली पाउडर. इससे बच्चों को ज्यादा खाना तीखा नहीं लगता है और वो लोग पूरा खाना खत्म कर सकते हैं. अनदर टिप इज दैट यू कुक द नॉर्मल फूड एज इट इज बट पोर घी इन देयर फूड. तो घी से उनको खाना, बच्चे एक्चुअली लव्स घी, तो उनको दाल में आप एक्स्ट्रा घी डाल सकते हो या दाल चावल में इफ दे आर ईटिंग रोटी पुट एक्स्ट्रा घी ऑन देयर रोटी. दे विल ईट ऑल द फूड इमीडिएटली. सर्व देम हॉट फूड. ठंडा खाना बच्चे नहीं प्रेफर करते हैं, तो अगर उनको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा हो जाता है, यू कैन जस्ट कंसिडर री हीटिंग इट एंड गिविंग देम, दे विल ईट इट इमीडिएटली. एंड नाउ कम्स माय नेक्स्ट टिप इज, इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था दैट व्हेन वी आर ईटिंग फूड एज अ फैमिली, माई हस्बैंड हैड अ हैबिट ऑफ ईटिंग लॉट ऑफ चटर पटर एट लॉन्ग. You can call it as a papad or fryams or any chivda. He used to like it in his plate and used to eat it. But with kids around, toh
किड्स को वो सारी चीजें बहुत फैसिनेट करती है एंड दे वॉन्ट टू ईट ओनली दोज साइडर्स एंड दे डोंट वॉन्ट टू ईट द रियल मील. सो वी हैव स्टॉप्ड ईटिंग ऑल दोज थिंग्स नाउ. When we eat food, we have a salad, roti, dal, chawal, that's it. We do not have any extra ciders like chas or you can say those fryams or papads, jisse bacche distract ho. So this is what we are practicing. It's, I know, very difficult with large families, but nuclear families mein this is completely possible and you can make them more focus on food. And another tip which goes and which I'm recently following and which my kids are loving a lot is I always say they love going to parks and they love doing a lot of physical exercise. So I keep telling them that if you want to go to park, if you want to do a lot of physical exercise, you need energy. You have to be strong. So see, this food is making you strong. See how fast your muscles are growing. See how fast you're becoming tall. See how fast you're becoming intelligent. So all I want to say is keep them praising. Show them what are the good effects while eating food, because you know kids have a tendency, agar unko dal chawal diya hai, agar usme tomato dikh gaya, they'll remove it first. So I make a habit of saying them, no, this tomato will give you 20 points and it will make your legs strong, come on, eat it, and they'll immediately eat that. So I don't know, my kids fall under this trap and they eat it immediately. So this is one thing, and the second thing is praising. Jab bhi wo log khud se khana khate hain, unhone khana finish kiya hai, or if they appreciate you that this is the yum food they have eaten, always praise them, always say that yes, now you will be stronger, now you will be intelligent, now you will be taller. तो उनसे बच्चे जो है फूड को पॉजिटिवली एसोसिएट करेंगे अपने साथ एंड दे विल लुक फॉरवर्ड टू ईट मोर एंड मोर फूड. नेक्स्ट स्टेप इज नेवर फोर्स योर चाइल्ड टू ईट सर्टन फूड और टू कंप्लीट द फूड इन देयर प्लेट. ऑलवेज गो विद देयर इंस्टिंक्ट्स. ऑल्सो बिलीव एंड ट्रस्ट योर किड्स. इट्स नॉट ऑलवेज दैट दे आर शोइंग टैंट्रम्स. Sometimes they are really hungry, sometimes they are not. And it happens with us as adults too. Hum logo ko kabhi bhook lagti hai, kabhi bhook nahi lagti hai. So it can happen with the kids also. Sometimes they are too hungry, sometimes they are not. So kabhi kabhi wo log pura khana khayenge, kabhi kabhi wahi cheez wo log pura nahi khayenge. So just go with your instincts. So if it is happening repeatedly, then obviously you will have to worry about it. But on some days, it's just okay, and to avoid it if they are not eating or they are showing tantrums or they doesn't want to eat certain sort of food. Agar aap force karke unko bolenge ki khana finish karo, ya force karke unko kahenge ki ye wala khana to khana hi hai, they would really become negative towards food and they would avoid it eating next time. Ya to phir pura jo procedure hai us pe pani fir jayega aur unko bilkul maza nahi aayega next time khana khane mein. So, आज के वीडियो में मेरे तरफ से जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं फॉलो करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. आई होप दिस टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी यूजफुल टू यू. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन योर ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस इन दिस मैनर एंड एनी स्पेसिफिक ट्रिक विच यू आर फॉलोइंग फॉर योर किड्स, एस्पेशली वेन दे आर शोइंग टैंट्रम्स टूवर्ड्स सर्टन टाइप्स ऑफ फूड्स. सो नाउ विद दिस आई एंड माई ब्लॉग हियर एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो बाय, सी यू सून.